पुणे टेस्ट में भारतीय टीम ने एक बार फिर से बेइज्जती कराई और 12 सालों बाद कोई टेस्ट सीरीज गंवाने की कगार पर है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, जिनसे बहुत उम्मीदें लगाई गई थी, उन्होंने बांग्लादेश के सामने टेस्ट में वापसी की। सोचा गया था कि वहां पर बड़े रन आएंगे, नहीं आए। उसके बाद न्यूजीलैंड के सामने जब जरूरत थी, 70 रनों की एक पारी जरूर आई, लेकिन इसके अलावा 3 पारियों में कुछ खास नहीं कर पाए। विराट कोहली आज LBW हुए। कुछ फैंस कहेंगे कि वो अनलकी रहे, अंपायर्स कॉल पर आउट हुए, लेकिन शायद क्रिकेट का रूल ये कहता है कि अगर स्टंप में गेंद लग रही है तो वो आउट है। अंपायर ने यही सोचकर आउट दिया, चाहे वो थोड़ा सा हिस्सा टकराए या फिर ज्यादा था हिस्सा, और विराट कोहली जो है अंपायर्स कॉल का शिकार हुए। आज कोहली जब आउट हुए तो बहुत मायूस थे, वो मैदान छोड़कर जाने के लिए तैयार भी नहीं थे। कोहली कई मिनटों तक अंपायर का डिसीजन आने के बाद पिच पर खड़े रहे। आपको बता रहे हैं कि जब रिव्यू भी लिया गया, उसके बाद भी जब बिग स्क्रीन पर ये दिखा दिया गया कि विराट कोहली आउट है, बावजूद उसके वो ऑन फील्ड अंपायर को घूरते रहे और मैदान से ना जाने की कोशिश, हालांकि जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि विकेट गिर गया था, पर वो नहीं जाना चाहते थे, शायद मैच जिताना चाहते थे, पर ये उनका दिन नहीं था। अनलकी जरूर कहेंगे, लेकिन टीम इंडिया की स्पिन खेलने की शैली पर सवाल उठने लगे हैं। ये वो टीम इंडिया नहीं है जो 2014-15 तक स्पिन की मास्टर मानी जाती थी। एशियन कंट्रीज वैसे तो स्पिन की बेस्ट मानी जाती हैं, लेकिन अब हाल वैसा नहीं है। अब तेज गेंदबाजी को ज्यादा महत्व देने लगे हैं और अपने बेसिक्स को खिलाड़ी भूलते जा रहे हैं। न सिर्फ विराट कोहली, वो तो आउट हुए 17 रन के स्कोर पर, अगर उनकी पिछली 12 पारियों को मैं उठाऊं तो 365 रन बनाए। इस पारी में 17 रन और बाकी की आप 11 पारियां अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से विराट कोहली ने कब कब कैसे कैसे रन बनाए, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, बांग्लादेश हो या फिर साउथ अफ्रीका, आपके सामने वो पूरी डिटेल नजर आ रही है। विराट कोहली 11 पारी में 365 रन बनाए, ऐसे वो बल्लेबाज है नहीं, जहां फैब 4 की लिस्ट में बाकी खिलाड़ी 11 पारियों में 4-4 शतक जड़ दे रहे हैं। और रोहित शर्मा का भी कुछ हाल ज्यादा अच्छा नहीं, रोहित शर्मा ने भी कम से कम 12 पारियों में 250 से 270 के बीच रन बनाए, तो ये भी कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है और टीम इंडिया को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। विराट कोहली के सामने ऋषभ पंत आउट हो गए, यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, फिर वो खुद आउट हो गए और टीम इंडिया जो है वो हार की कगार पर पहुंच गई है। कौन लेगा इसका क्रेडिट, किसके पास जाएगी हार की वजह, क्या फिर से KL राहुल पर ब्लेम डाला जाएगा क्योंकि वो तो टीम में भी नहीं है? आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।